चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 12। क्लास 12 का चैप्टर सेकंड जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन द ओव्यूल आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। पोजीशन के बेसिस पे ओव्यूल्स को क्लासिफाई किया गया है फोर टाइप्स पे। पहला है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, दूसरा है हेमीट्रोपस ओव्यूल, तीसरा है एनाट्रोपस ओव्यूल और चौथा क्या है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एक एक ओव्यूल के बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अपराइट इन पोजीशन। ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बॉडी होती है, देखो डायग्राम में देखो बिल्कुल क्या होता है, अपराइट होता है, ऊपर की तरफ होता है। द माइक्रोपाइल चलाजा हाइलम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। माइक्रोपाइल चलाजा और हाइलम सारे कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इस टाइप ऑफ ओव्यूल को स्ट्रेट ओव्यूल भी कहा जा सकता है। जैसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए स्ट्रेट ओव्यूल किसे कहते हैं, तो हम ऑप्शन में टिक कर सकते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को स्ट्रेट ओव्यूल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इज पॉलीगोनन एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल। ये बहुत ही सिंपल ओव्यूल है, डायग्राम भी इसका सिंपल। ये क्या है चलाजा है, ये इसका हाइलम रीजन है, चलाजा ऊपर हाइलम थोड़ा सा नीचे, और ये क्या है फ्यूनिकल है, और ये क्या है माइक्रोपाइल। नेक्स्ट इज हेमीट्रोपस ओव्यूल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंड ऑन फ्यूनिकल एट 90 डिग्री एंगल। ये जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल की तरफ, डायग्राम में देखो पूरा फ्यूनिकल की तरफ बेंड रहती है एट द 90 डिग्री एंगल पे। दैट इज बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल के। माइक्रोपाइल एंड चलाजा, माइक्रोपाइल और चलाजा जो प्रेजेंट होते वो सेम लाइन पे प्रेजेंट होते। डायग्राम में देखो ये माइक्रोपाइल है ये चलाजा है, दोनों क्या एक दूसरे के सेम लाइन पे प्रेजेंट होते। बट माइक्रोपाइल सिचुएटेड अवे फ्रॉम हाइलम, और माइक्रोपाइल और जो ये हाइलम होता है ये एक दूसरे के कैसे प्रेजेंट होता है, दोनों एक दूसरे के अवे प्रेजेंट होते। डायग्राम बेस्ड पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो है वो किस जैसे डायग्राम बना दिया गया ये पूछा जाता है कि किस टाइप का ओव्यूल है। अगर हमें डायग्राम अच्छे से याद है तो हम ओव्यूल के टाइप्स आराम से बता सकते हैं। The next is anatropous ovule. Body of the ovule completely turn at 190 degree angle. इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से कितने एंगल पे टर्न रहती है, 180 डिग्री एंगल पे क्या रहती है टर्न रहती है। इट इज ऑल्सो कॉल इन्वर्टेड ओव्यूल। इस टाइप ऑफ ओव्यूल को इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखो डायग्राम में देखो ये क्या नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ तो क्या बोलते हैं अपराइट, नीचे की तरफ इन्वर्टेड। द चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाइन ए स्ट्रेट लाइन, और ये चलाजा है ये माइक्रोपाइल दोनों एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट होते। हाइलम एंड माइक्रोपाइल लाई साइड बाय साइड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जैसे ये हाइलम है और ये माइक्रोपाइल एक दूसरे के साइड बाय साइड प्रेजेंट होते। एग्जाम्पल इज मालवेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली एंड सोरेनेसी फैमिली। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप। इसमें क्या होता है इनका एम्ब्रियो सैक किस शेप का रहता है, हॉर्स शू शेप का। ये देखो डायग्राम में देखो हॉर्स शू शेप का, कभी कभी पेपर में ऐसे लिख के भी पूछा जाता है कि हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो सैक किसका होता है, तो किसका होता है एम्फीट्रोपस का होता है। माइक्रोपाइल कम क्लोज टू द हाइलम, और माइक्रोपाइल और हाइलम एक दूसरे के बहुत ही क्लोज भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर ओव्यूल। इस ओव्यूल को और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर ओव्यूल के नाम से भी जाना जाता है। एंड एग्जाम्पल इज पॉपी प्लांट। पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर इनका कोई दूसरा नाम होता है उसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से जो है ओव्यूल के टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं।